335 से 400 ईस्वी के मध्य गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने स्वरचित रघुवंश काव्य में श्री वृंदावन की तुलना स्वर्ग में इंद्र के तीन वनों में से चैत्र रथ नामक उद्यान से की है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय वृंदावन की प्रसिद्धि एक सुंदर वन के रूप में थी, जिसके अंतर्गत वृंदावन आदि वन आते हैं। उनमें 12 वन, 12 उपवन, 12 अधिवन तथा 12 प्रतिवन को मिलाकर पौराणिक आधार पर 48 वन बताए जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार 12 वन है, वारहा पुराण के अनुसार 12 उपवन है, विष्णु पुराण के अनुसार 12 अधिवन है और मत्स्य पुराण के अनुसार 12 प्रतिवन है। ब्रज में ऐतिहासिक अवशेष जहाँ तहाँ जो कुछ भी दिख रहे हैं, ब्रजरज, यमुना जी एवं गोवर्धन पर्वत, इन तीनों को छोड़कर के बाकी के सब कुछ 2-3 हजार वर्ष के भीतर का ही मात्र समझो, क्योंकि 16वीं शताब्दी में ही ब्रज धाम पूर्ण रूप से विकसित होते हुए भक्ति धर्म का प्रमुख केंद्र बना था। रहिए धर्म की आवाज, धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य।